दोस्तों, होमगार्ड और पीआईडी जवानों से संबंधित तीन जरूरी अपडेट निकल कर आ रही हैं। आपको तीनों ही अपडेट के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक आदेश की कॉपी आपको दिख रही होगी। यह आदेश राजस्थान होमगार्ड से संबंधित है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में पूरा डिटेल से देख सकते हैं। फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। लिखा है, निदेशालय महानिदेशक गृह रक्षा मुख्यालय राजस्थान, दिनांक लिखी है 9 नवंबर 2020, कार्यालय आदेश। इस विभाग में सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75(1) के अंतर्गत अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण वर्तमान में संस्थापक शाखा द्वारा तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उक्त नियम के तहत अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण लेखा शाखा द्वारा किया जा रहा है। अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रकरणों के निस्तारण की उक्त व्यवस्था में एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से परिवर्तन किया जाता है। सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 75(1) के अंतर्गत अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत अब लेखा शाखा द्वारा किया जाएगा तथा गृह रक्षा स्वयंसेवकों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उक्त नियम के तहत अनुग्रह अनुदान संबंधी प्रकरणों का निस्तारण सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत संस्थापन शाखा द्वारा किया जाएगा। कोविड-19 के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक, यहां पर आदेश संख्या दी है, दिनांक 11/4/2020 के तहत राशि ₹50 लाख की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण लेखा शाखा द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत किया जाएगा तथा कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान गृह रक्षा स्वयंसेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक, यहां पर आदेश संख्या दी हुई है, दिनांक 11/4/2020 के तहत राशि 50 लाख की अनुग्रह राशि स्वीकृत करने संबंधी प्रकरणों का निस्तारण संस्थापन शाखा द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत किया जाएगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त आदेश महानिदेशक महोदय से अनुमोदित है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस गृह रक्षा राजस्थान जयपुर। दोस्तों, यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि 50 लाख रुपए का जो भुगतान है होमगार्ड को भी किया जाएगा। अगर होमगार्ड कोविड ड्यूटी करता है तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है किसी वजह से तो उसके आश्रितों को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। पूरी इन्होंने यहां पर क्लियर लिख दिया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के औरैया से। अब ऑनलाइन लगेगी पीआईडी जवानों की ड्यूटी, होगी परेड। पीआईडी जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए प्रांतीय रक्षक दल के पीआईडी जवानों की प्रत्येक शुक्रवार को अब परेड होगी। पीआईडी जवानों को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ऐसा पहली बार हो रहा है। वहीं अब पीआईडी जवानों की ऑनलाइन ड्यूटी लगेगी। यूपी डेस्को ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसका ट्रायल चल रहा है। ऑनलाइन ड्यूटी लगने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। जवानों को बार बार कार्यालय नहीं दौड़ना पड़ेगा। प्रांतीय रक्षक दल के इतिहास में पहली बार जवानों की परेड कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब पीआईडी जवानों की हाजिरी ऑनलाइन लगेगी। इसके लिए यूपी डेस्को ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इससे पीआईडी जवानों को ड्यूटी के लिए विकास भवन कार्यालय में भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। युवा कल्याण अधिकारी अमिताभ कुमार ने बताया कि अब पीआईडी जवानों की परेड सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को की जाएगी। इससे जवान चुस्त दुरुस्त रहेंगे। सभी जवानों को 20-20 मिनट की परेड कराई जाएगी। कोई भी जवान ड्यूटी छोड़कर परेड में शामिल नहीं होगा। बैंक उपस्थिति दर्ज करने के बाद ही परेड में शामिल हो सकेगा। नई व्यवस्था से पीआईडी जवान अब चुस्त दुरुस्त नजर आएंगे। इससे उनकी सेहत भी सुधरेगी। और दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार के बगहा से। होमगार्ड को चुनाव भत्ता का भुगतान। बिहार गृह रक्षा वाहिनी जवानों को सोमवार को विधानसभा एवं लोकसभा उपचुनाव में किए गए कार्यों के लिए भत्ते का भुगतान किया गया। इसको लेकर प्रखंड बगहा 2 परिसर स्थित होमगार्ड कार्यालय में सोमवार को सुबह से होमगार्ड जवानों की भारी भीड़ दिखी। होमगार्ड कमांडेंट लाल बाबू ओझा एवं यादव लाल शाह ने बताया कि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के निर्देश के आलोक में होमगार्ड जवानों के बीच चुनाव पारिश्रमिक भत्ते का भुगतान 1161 रुपए की दर से किया गया। मानदेय भुगतान को लेकर कार्यालय परिसर में सुबह से होमगार्ड जवानों की भीड़ उमड़ी रही। जवान कतारबद्ध होकर अपना मानदेय भुगतान लिया। हालांकि भुगतान को लेकर होमगार्ड जवानों ने आरोप लगाया कि भत्ता भुगतान राशि से प्रत्येक जवान को भुगतान 24 रुपए की कटौती की गई है।
है। इसको लेकर जवानों में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर नाराजगी रही। जवानों ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि सभी जवानों के भुगतान से उक्त कटौती की गई है। इस बाबत होमगार्ड कमांडेंट से पूछे जाने पर बताया गया कि रुपए चेंज नहीं रहने के कारण ऐसा किया गया है और उन्हें शेष राशि चेंज होने के पश्चात उनके बीच वितरण किया गया। दोस्तों अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आगे बताइए, आप लोग देश के किस राज्य से होमगार्ड या फिर पीआरडी जवान हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।